सब्सक्राइब टू माय चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ कंचन। एंड आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक से। ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक ये ब्रांड का नाम है जो कि एक कोलकाता बेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का पैकेजिंग है एंड इसका प्राइस 325 रुपीज़ है एंड क्वांटिटी मुझे कहीं दिखा नहीं इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड हर तरफ से ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा है एंड देन मैं इसे ओपन करती हूँ एंड इसमें मेरा शेड है सिल्वर शैडो एंड देन मैं इसे खोल रही हूँ। इस तरह कुछ है डब्बा एंड हमेशा की तरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। इसका ये जो डब्बा है लाइक पैकेज है वो मुझे कुछ सिमिलर टू लैक्मी कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह लगा एंड देन ये प्लास्टिक है जो सेपरेट करता है स्पंज एंड फेस पाउडर को जो हर रेगुलर है सारे में रहता ही है एंड मैंने यूज़ किया तो ये स्पंज पे ये स्टेन है फेस पाउडर का बिकॉज बिना देखे यूज़ किए तो रिव्यू होगा नहीं। एंड देन मैं इसे दिखा रही हूँ पिगमेंटेशन इसका और एक दो बार दिखा दे रही हूँ मैं, बट मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज़ ये एक रेगुलर कॉम्पैक्ट पाउडर है और रेगुलर फेस पाउडर है, सो मैं इसे फेस पे अप्लाई नहीं करके दिखा रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड दैट। दिस प्रोडक्ट क्लेम्स दैट इट गिव्स योर स्किन अ स्मूथ फिनिश एंड प्रिवेंट एक्ने। इट हेल्प्स टू यूज, इट कैन बी ऑल्सो यूज एज अ सन गार्ड। मीन्स इसमें SPF भी दिया हुआ है लेकिन मैंने कहीं भी इस पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग एंड इनर पैकेजिंग में कहीं भी मैंने SPF मेंशन किया हुआ नहीं दिखा है, बट इसमें क्लेम की तरह से उन्होंने दिया हुआ है दैट ये एज अ सन गार्ड भी काम करता है। लाइक ऐसा सोच सकते हैं दैट आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लिए एंड आफ्टर दैट इससे सेट कर लिए तो सनस्क्रीन हो सकता है, मे बी मे नॉट बी। एंड इसमें एक्ने इसलिए प्रिवेंट करेगा बिकॉज इसमें एक बेस इंग्रेडिएंट नीम भी है जो मुझे सूट नहीं करता है, बट फिर भी मैंने देखा कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं हुआ मेरे स्किन पे, तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज मुझे नीम बिल्कुल सूट नहीं करता है। नीम लाइक जिस प्रोडक्ट में रहे उस प्रोडक्ट से मुझे दूर रहना है, बहुत दूर रहना है बिकॉज मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है, बट रियली सरप्राइज्ड है मेरे स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ जबकि इसमें नीम है। तो अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव भी है एंड एक्ने है या आते हैं फ्रिक्वेंटली तो भी आपके लिए सूटेबल है एंड ओवरऑल ये ऑल स्किन टाइप के लिए तो सूटेबल है। चीज़ें इस प्रोडक्ट में मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये है दैट नंबर वन ये मैटिफाई करता है आपके स्किन को, स्किन पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये कम्प्लीटली मैटिफाई कर देता है एंड ऐसा फील नहीं होता दैट कुछ पोत के रखा है पाउडर टाइप का। बट हाँ, अगर आपका करेक्ट शेड है तो शेड आप बस उतना वही शेड लीजिएगा जो आपको आपके स्किन टोन से मैच करता है, थोड़ा सा ज़्यादा मत ले लीजिएगा जिससे वो फेयर लगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगे, तो ये मैटिफाई करता है। सेकेंड जो है ये ऑयल बहुत अच्छे से अब्जॉर्व करता है, लाइक आपके टी जोन में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है जैसा कि मेरा आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पफ करके एंड बीच बीच में थोड़ा टच करते रहेंगे तो ऑयल बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्व करता है। थर्ड ये है दैट इसका कवरेज लो मीडियम हाई नहीं बोलूँगी, इतना है कि जो अनइवन स्किन टोन जो रहता है जो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी रह जाता है तो वो अच्छे से कवर कर देता है बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसे सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद लगाना पसंद करती हूँ बिकॉज सनस्क्रीन इज़ मोर देन एनफ फॉर एवरी डे एंड थोड़ा सा इसे सेट कर लिया तो सनस्क्रीन भी प्लेस पे रहता है एंड जो अनइवन स्किन टोन जो रहता है वो भी थोड़ा अच्छे से कवर हो जाता है। थर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें नीम है तो ये एक्ने जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी तो बहुत अच्छी होने वाली है एंड जिनका एक्ने नहीं है ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है बट एक्ने वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। ये पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इसका पैकेजिंग थोड़ा सिमिलर नहीं है लैक्मी वाले से, लैक्मी का जो नॉर्मल एक कॉम्पैक्ट पाउडर आता है अभी तो बहुत सारा हो गया है बट जो नॉर्मल जो एवरीडे पहले आता था ज़्यादा नहीं आता था तो उसके तरह आपके पैकेजिंग उस तरह का है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट है। ओके, तो आप कभी भी इसे बैग में डाल के आराम से ले कैरी कर सकते हो। चीज़ें इस प्रोडक्ट में मुझे नहीं अच्छी लगी वो ये है दैट शेड बहुत बड़ा पंगा हो गया यहाँ पे बिकॉज तीन शेड ही है इसमें। मेरा वाला जो है वो है शैडो सिल्वर शैडो नहीं ये बस सिल्वर है, शैडो वो फाउंडेशन में था। यस, तो तीन ही है फाउंडेशन तो फिर भी तीन है तो लाइक दो को मिक्स करके छः बन जाएगा, 6 से 7 शेड बन जाएगा फाउंडेशन में, बट कॉम्पैक्ट तो मिक्स नहीं कर सकते ना हम लोग, तो तीन ही शेड है कॉम्पैक्ट में तो थोड़ा ज़्यादा शेड रखना चाहिए था इन्हें।
एंड सेकेंड जो प्रॉब्लम हुई मुझे वो अवेबिलिटी, मुझे मैं मेन सिटी में रहती हूँ, सॉरी मैं मेन सिटी में रहती हूँ, मैं कोलकाता मेन सिटी में रहती हूँ, फिर भी मुझे जल्दी मिलती नहीं है प्रोडक्ट्स, मुझे ऑर्डर करके मंगवाना पड़ा। सो अवेबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज और कोई कंप्लेन नहीं है। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट, नेचुरल है, हर्बल है, लव इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है एंड शेयर भी ज़रूर बनता है जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो आपसे। एंड थर्ड, सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 है, फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो।